हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पल पल की अपडेट हम लोग यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और यदि आप GSSC कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, खास करके CGL का, तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं छोटा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, 4-5 मिनट का वीडियो होगा, शानदार होगा, देखिएगा। वीडियो रामबाण साबित होगा एग्जाम में, 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए जितने जल्दी हो सके। तो चल दोस्तों, GSSC की तरफ से इंपॉर्टेंट नोटिस आया, देखते हैं नोटिस क्या है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, DB का जो रिम्स एग्जाम का जो हुआ था ना, उसी का DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है। चलिए हम देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देखते हैं जो रिम्स का एग्जाम हुआ था। और दोस्तों GSSC CGL और JEE एग्जाम 2022 में ही होगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि 2023 में एग्जाम चला गया। ठीक है, क्योंकि बहुत यूट्यूब चैनल में देखने को मिल रहा है कि GSSC CGL का एग्जाम 2023 में होगा। जी नहीं दोस्तों, अचानक आपको अपडेट देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और आप लोग परेशान हो जाएगा, इसलिए नवंबर मान के चलिए। नवंबर बार बार बोल रहे हैं, नवंबर में एग्जाम होगा जहाँ तक लग रहा, संभावना बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए 2023 छोड़ के 2022 के नवंबर तक टारगेट करके चलिए। अपना प्लानिंग अभी से बना लीजिए, एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अचानक नोटिस आएगा, देखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आया है। चलिए देखिए, विज्ञापन संख्या 5/2022, ठीक है, और 6/2022, रांची अंतर्गत परिचारिक श्रेणी ए ग्रेड ए के पद का जो रिम्स का एग्जाम हुआ था, उसी का DB का डेट आ चुका है। देखिए 1/9/2022 ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आवश्यक सूचना 12। ठीक है, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। रिम्स रांची अंतर्गत परिचारिक श्रेणी ए के पद पर नियुक्त हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम आयोग कार्यक्रम कालीनगर चाय बगान नामकुन रांची के दिनांक 13/9/2022 से निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार दो पालियों में होगी। 13 तारीख को दो पालियों में होगा। ठीक है दोस्तों, प्रथम पाली 11 बजे से होगा और दूसरा पाली 1:30 बजे से होगा। ठीक है, 1 बजे 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पहला पाली होगा और दूसरा पाली होगा 2:30 से 5, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कब? 13/9/2022 को। ठीक है, दोनों पाली होगी। चलिए, अभ्यर्थी जाँच हेतु परिशिष्ट वर्ण धारिक, ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बस मेन हम लोग है कि जो रिम्स का एग्जाम होता है ग्रेड ए का, उसका DB का डेट आ चुका है, जो कि 13/9/2022 को होगा। दो पाली में होगा, पहला 11 से 1:30 और दूसरा 2:30 से 5। ठीक है, बाकी आप लोग इस नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, कुछ इसमें खास नहीं लिखा हुआ, देखते हैं जो खास लिखा हुआ है हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है खास। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर ले जाना है, वो देखिए। अब दोस्तों, इसका यदि PDF चाहिए सिर्फ का, तो हमारे टेलीग्राम में जुड़िए। टेलीग्राम का नाम है मन जागे क्लासेस, कैपिटल में होगा सब, क्लासेस 43। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही है, बस 43 ऐड कर देना है। मन जागे क्लासेस 43 टेलीग्राम का नाम है, उसमें एडिट मन जागे क्लासेस 43, उसमें PDF प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए क्या कर ले जाना, देखिए। शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, क्या क्या? 10th 12th और नर्सिंग योग्यता, तीन चीज़ ले जाना है आपको। आरक्षण आपको चाहिए तो जाति और आय प्रमाण पत्र ले जाना है, और स्थानीय प्रमाण पत्र ले जाना है। ठीक है, नर्सिंग काउंसिलिंग निबंध प्रमाण संबंधी प्रमाण पत्र ले जाना है। खेलकूद कोटा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ले जाना है। दिव्यांगता श्रेणी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो दिव्यांग है उसके लिए है ये सब। ठीक है, बाकी भूतपूर्व सैनिक होने से ये सब देख लीजिए, पॉइंट सब लिखा हुआ है, ये जरूरी नहीं सभी सब चीज़ ये सब ले जाना है। जिसके लिए है वही सब ले जाना है। ठीक है, जैसे खेल कूद जिसका तो ले जाएगा, जो दिव्यांग है उसके लिए ले जाएगा। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक उसके लिए ले जाएगा, समझ रहे ना कहने का मतलब? तो देख लीजिए ये सब लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है बीच में? COVID-19 का लिखा हुआ है यहाँ पे, COVID-19 का क्या है? अभ्यर्थी को आयोग परिसर में थर्मल स्कैनिंग के बाद प्रवेश दिया जाए। चलो ठीक है, ये तो COVID-19 का तो नोटंकी चलेगा ही अभी। ठीक है, ये सब COVID-19 का और कुछ नहीं यहाँ पे। और क्या लिखा हुआ यहाँ? कुछ नहीं। प्रत्येक अभ्यर्थी नाक और मुंह मास्क को ढका होना चाहिए। ठीक है, तो ढक के जाएगा भाई, इसमें तो कौन कॉमन बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग जब जाइएगा तो मास्क लेते जाइएगा। ठीक है, छोड़िएगा मत, नहीं तो अंदर घुसने नहीं मिलेगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो यही मैंने अपडेट है, और कुछ देख लेते हैं। हाँ, ये रोल नंबर दिया हो, देखिए जिन जिन विद्यार्थियों को DB होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये रोल नंबर सब देख लीजिए। फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट टाइमिंग है, सब लिखा हुआ है, ये सब टाइमिंग देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए, 14 तारीख को फर्स्ट, देखिए 14/9 फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, चलिए फिर 15 तारीख का देख लीजिए, फर्स्ट शिफ्ट देखिए, इसका मतलब कि आपको DB 13, 14 और 15। ठीक है, 13, 14, 15, 13 और 14 को दो शिफ्ट में होगा और 15 को एक ही शिफ्ट रखा गया। ठीक है, 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, तो तीन दिन आपको DB होने वाला है रिम्स जो ग्रेड एक एग्जाम हुआ था। ठीक है दोस्तों अपडेट कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया होगा अपडेट, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे इसके लिए, बड़े भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।